अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तुम्हें लहंगे का कलर पसंद आए। ये लहंगा उठाओ और चलो। हम कोई शादी नहीं करेंगे, समझे तुम? किसी ने तुमसे पूछा है क्या शालू कि तुम क्या चाहती हो और क्या नहीं चाहती? यहां वही होगा जो हम चाहते हैं। अब ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम ये शादी इसके जीते जी करो या मरने के बाद। नहीं 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 राजू, तुम ऐसा नहीं कर सकते। हम कुछ भी कर सकते हैं, इतना तो तय है कि ये लड़का अपनी जान पे खेल करके तुम्हें बचाने आया है। मतलब ये सिर्फ दोस्त नहीं हो सकता, इसकी नजरों में साफ दिख रहा है कि ये प्यार करता है तुमसे। करता है ना? अरे तुम्हारी खामोशी का मतलब है कि करता है। और तुम दोनों की बात आगे बढ़ती इससे पहले हम बीच में आ गए, एक वैसे ही जैसे हमारा दोस्त एक लड़की से प्यार करता था और तुम्हारी बहन बुलबुल बीच में आ रही है। अब तुम अपनी बहन को अच्छे से समझा पाओगी कि दो प्यार करने वालों के बीच में आना कितना बड़ा गुनाह होता है। अरे पाप होता है पाप। खैर शादी की थोड़ी तैयारियां करनी है और तुम्हारी फैमिली को भी तो इन्वाइट करना है। चुपचाप ये जोड़ा उठाओ और चलो। लहंगा उठाओ और चलो। हेलो, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। हम हर वक्त आपके बारे में सोचते रहते हैं, जागी आंखें हों या सोई आंखें, हमको हर जगह सिर्फ आप ही दिखाई देती। आई लव यू शालू जी। आप भी हमसे प्यार करती हैं शालू जी, ये सच है ना? शायद। हमारी वजह से शालू जी को ये फैसला लेने पे मजबूर होना पड़ा है। हमें ये शादी किसी भी हाल में रोकनी होगी। मुस्कान, बस ये रोक दो। हमने
विशेष जी को यहीं से राजवीर पर नजर रखने को कहा था। अब ना यहाँ पे विशेष जी है और ना ही उनका फोन लग रहा है। हमारा दिल कह रहा है मुस्कान, दीदी की किडनैपिंग के पीछे इस राजवीर का ही हाथ है, लेकिन बिना किसी सबूत के हम इस बात को साबित कैसे करेंगे? तुम यहीं रुको मुस्कान, हम नारायण सर से मिलकर आते। मेरे यार बूढ़ा बनने की तैयारी कर ले। लेकिन भैया हमारा मतलब हमें उस लड़की से प्यार नहीं है, हम किसी और से प्यार करते हैं। अरे अरे तो शादी के बाद इस लड़की से भी प्यार हो जाएगा। हाँ चल एक बात बता, तेरे लिए यार बड़ा या प्यार? भैया हमारे लिए यार ही बड़ा है। तो फिर हो गया फैसला। शादी के खर्चे की टेंशन बिल्कुल मत ले, सारा खर्चा मैं अपने बाप से दिलवाऊंगा, बस बदले में तू उन्हें इनवाइट करना मत भूलना। जी चल। मुस्कान ये जो लड़का देख रही हो ना, ये वही है जिसने राजवीर के साथ मिलकर हमारे किराने वाले सुदामा काका को किडनैप किया था। ये लड़का ना सुदामा काका की बेटी से शादी करना चाहता था, हमने वहां घुसकर ये सारा तमाशा रोक दिया। अब कहीं ऐसा तो नहीं कि राजवीर इस लड़के की शादी शालू दीदी से करवाकर हमसे बदला लेना चाहता है? मुस्कान हमें तो पूरा शक है कि दीदी को इन दोनों ने ही मिलकर किडनैप किया है। अच्छा तुम यहीं रुको और एक बात याद रखना, अगर हमारे वापस आने से पहले ये दोनों बाहर निकले ना तो बस इस बात का ध्यान रखना कि किस तरफ गए, ठीक है? जी। शुक्ला जी बोलो। ये हमारा दोस्त है रोहन, आज इसकी शादी है। मुझसे क्या चाहते हो? समाज सेवा। वो क्या है कि इसने अपना नया नया बिजनेस शुरू किया था और फिर शादी तय हो गई, इसने एक भी पैसा दहेज लेने से मना कर दिया और यहां तक कि लड़की वालों से ये भी कहा कि शादी का पूरा खर्चा ये ही उठाएगा। तो इसने बातें तो बड़ी बड़ी कर दी पर इसका हाथ थोड़ा तंग हो गया है, तो इसे आपसे पैसों की थोड़ी हेल्प चाहिए। तुम्हारे दोस्त ने दहेज लेने से इनकार करके बहुत अच्छा काम किया, उसकी शादी का सारा खर्चा हमारा एनजीओ उठा लेगा। सर मैं चाहता हूँ कि आप मेरी शादी में आए। मैं कोशिश करूंगा, वैसे बुलबुल तो आने ही वाली है, शादी का सारा खर्चा उसे बता देना, वो पैसा रिलीज करा देगी। थैंक यू अंकल जी, अभी शादी का बहुत सारा काम बचा है तो मुझे चलना होगा, लेकिन आप शादी में आइएगा जरूर, आपका इंतजार रहेगा। मैंने कहा ना मैं कोशिश करूंगा। शुक्ला जी आप हर बात पे वही हो ना जिसे हमने उस दिन पीटा था, यहाँ क्या कर रहे हो? मैं वो अरे पहलवान बुद्धि, अब हमारे ऑफिस में हमारा ही दोस्त आएगा ना, वैसे भी आज इसे शुक्ला जी से कुछ काम था, उनसे मिलने आया था। तुम्हारे दोस्त को शुक्ला सर से काम था, क्या हम वजह जान सकते हैं? मेरा दोस्त शादी कर रहा है। और वो शुक्ला जी को इन्वाइट करने आया है। शादी? कहीं शालू दीदी की शादी इसी से तो नहीं? किस सोच में पड़ गई पहलवान? हमारा दोस्त बिना दहेज की शादी कर रहा है, बहुत ही किस्मत वालों को मिलते हैं ऐसे लड़के, और ये बात तुमसे बेहतर कौन समझ सकता है? तुम भी चार बहनें हो ना, तुम्हें कैसे पता कि हम चार बहनें? तुम पहली लड़की हो जिसने मुझसे टकराने की कोशिश की, तो जन्म कुंडली तो निकलवाऊंगा ना। रोहन
जाओ यहाँ से, वैसे ही बहुत काम है तुम्हें। ओके और पहलवान तुम, शुक्ला जी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। राजवीर अंदर है, लेकिन ये कहाँ जा रहा है? हमें इसका पीछा करना चाहिए, शायद शालू दीदी का कोई सुराग मिल जाएगा। गुड मॉर्निंग, बैठो। इट्स ओके सर। अभी अभी इसका दोस्त आया था, वो बिना दहेज के शादी कर रहा है। इसलिए हमारी एनजीओ उसकी मदद करेगी, इसलिए शादी का जो भी खर्चा हो तुम उसका बिल सबमिट कर लो। अगर ये शादी शालू दीदी की है तो राजवीर हमें कभी भी शादी की जगह नहीं बताएगा। अब वैसे ये शादी है कहाँ पर? तुम ही जान लिया करोगी। ओह, शुक्ला जी की बॉडीगार्ड हो तो तुम्हें तो आना पड़ेगा। मेरे पास तुम्हारा नंबर है, लोकेशन भेज दूंगा। ठीक है, भेज दीजिए, हमें इंतजार रहेगा। शुक्ला जी, रोहन की बड़ी इच्छा है, तब शादी में आइएगा जरूर। मैंने कहा ना, मैं पूरी कोशिश करूंगा। आपको तो आना ही पड़ेगा शुक्ला जी, बुलबुल को हमारे सिर पे बिठा करके हमारा सुकून छीना है आपने। आप नहीं आएंगे तो हमारा बदला तो पूरा हो जाएगा बुलबुल से, लेकिन हमें सुकून नहीं मिलेगा। बुलबुल, तुमने जो राजवीर पर सख्ती की है ना, उसका असर साहबजादे पर दिखाई देने लगा है। पहली बार हमारे एनजीओ से किसी नेक काम के लिए मदद मांग रहा है। थैंक यू बेटा। अच्छा एक बार बताओ, वो फिरौती की रकम किडनैपर को मिल गई? मेरा कहने का मतलब है कि तुम्हारी बहन घर पर वापस आ गई क्या? काश हम आपसे कह पाते कि हमें लगता है कि राजवीर जी ने ही दीदी को किडनैप कर रहा है। क्या सोच रहे हो? अब जी नहीं सर, वो पैसे अभी तक हमारे पास ही हैं। किडनैपर के फोन का इंतजार है अभी। अरे तो फिर तुम काम पर क्यों आ गई? तुम अभी घर चली जाओ और किडनैपर के फोन का इंतजार करो। रोहन की शादी में मैं अकेला चला जाऊंगा। लेकिन कुछ नहीं, इस वक्त तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी सख्त जरूरत है, तुम घर जाओ। अब क्या करें, हमें राजवीर का पीछा करना चाहिए, शायद दीदी का कोई सुराग मिल जाए। ओके थैंक यू सर। बुलबुलिया दीदी का शक सही निकला, शायद वो राजवीर इसी से शालू दीदी की शादी कराना चाह रहा है। अच्छा हुआ
हम दादी का पुराना वाला फोन अपने साथ ही ले आए। फोन तो मुस्कान के पास था। हाँ मुस्कान, हम अभी ऑफिस से निकल के उसके फार्म हाउस की तरफ जा रहे हैं। बोलो क्या बात है दीदी। बस आप जल्दी से आ जाइए, यहाँ पे हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कुछ ठीक नहीं लग रहा है मतलब? हमने तो तुम्हें ऑफिस के बाहर वेट करने को कहा था ना। कहाँ हो तुम दीदी? वो हमने यहाँ पे हेलो हेलो मुस्कान, मुस्कान आवाज सुनाई दे रही है हमारी? मुस्कान, मुस्कान। राजवीर शुक्ला, अगर तुमने हमारी मुस्कान के साथ कुछ भी किया ना, हम तुम्हारी जान ले लेंगे। मुस्कान कहाँ है? जवाब तो बुलबुल, मुस्कान कहाँ पे है? अरे कुछ बोलते कहा है नहीं। कहती है तुम ना अपना दिमाग का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करती हो। तुम मुस्कान को अकेले कैसे छोड़ के चली गई? तुम तो जानती हो घर के अंदर कितनी मुसीबतें चल रही हैं, उसके बाद भी तुम अपनी बहन की जान जोखिम में डालकर आ गई हो। माँ हमने कहा था मुस्कान से वो सतर्क है, लेकिन समझ नहीं आता कि किडनैपर हमसे चाहता क्या है। माँ हमें पता चल गया कि इस सब किडनैपिंग के पीछे किसका हाथ है। किसका? राजवीर शुक्ला। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सब कुछ वही कर रहा है। का है? का दुश्मनी है उसकी हमारे परिवार के साथ? तुम्हारे पास कोई सबूत है उसका? माँ अभी तक सबूत तो नहीं है, लेकिन हमें पूरा शक है कि ये सब कुछ उसी का किया धरा है। अगर ये बात सच है तो हमें अभी शुक्ला जी से बात करनी होगी। वो लड़का तो बेवकूफ है, कहीं हमारी बेटियों को कोई नुकसान न पहुंचा दे। नहीं माँ, अगर उसे दीदी और मुस्कान को नुकसान पहुंचाना होता तो वो अब तक पहुंचा चुका होता। वो बस हमसे बदला निकाल रहा है। अगर हम शुक्ला जी के पास गए तो कहीं और गड़बड़ ना हो जाए। पता नहीं दीदी किस हाल में होगी। तो दुल्हन तैयार है? मेरी वजह से तुम्हारी जैसी सुंदर बीवी पाकर मेरा दोस्त जिंदगी भर तुम्हें देगा। इधर देखो। आखिर तुम्हारे घर वालों को भी हक है कि वो तुम्हें ऐसे शादी के जोड़े में दे। शालू दीदी के फोन से है। ये शालू दीदी शादी के जोड़े में? हाँ, वो शादी के लिए मान कैसे गई? दुल्हन रेडी है, मैं एड्रेस भेज रहा हूं। सब लोग टाइम पे पहुंच जा रहा, क्योंकि अपनों की शादी में फैमिली का होना बहुत जरूरी है। और हां, वो 10 लाख रुपए लाना मत भूलना। सुनो, हमें सब पता चल गया है कि तुम राजवीर शुक्ला हो। वाह पहलवान वाह, मानना पड़ेगा बड़ी शातिर निकली तुम।
और अब ओपन चैलेंज करने में हमें और मजा आएगा। अब तुम्हें सब पता चल ही गया है तो अपनी बहन की शादी रोक करके दिखाओ, तब मानूंगा। और हाँ, अगर पुलिस के पास जाने की गलती की ना तो मेरे दोस्त की बीवी के साथ साथ और उसकी छोटी साली साहिबा ही मेरे कब्जे में, यानी कि मुस्कान,